સંઘ પ્રદેશ દમણમાં પ્રશાસન દ્વારા દમણના નગરજનો તેમજ ઔદ્યોગિક એકમમાં કામ કરતા કામદારોને બોલાવી ભવ્ય તિરંગા રેલી સાથે કાર્નિવલનું આયોજન કરી ઇન્ડિયા ડે ની ઉજવણી કરી હતી. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવને દેશવાસી ઉત્સવ તરીકે મનાવી રહ્યા છે. ઠેર ઠેર દેશભક્તિના દર્શન થઈ રહ્યા છે. ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 13-15 ઓગસ્ટ સુધી કરેલા હર ઘર તિરંગા અભિયાનના આહવાન અંતર્ગત દમણ પ્રશાસન દ્વારા તિરંગા રેલી સાથે કાર્નિવલના રૂપમાં ઇન્ડિયા ડે નું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં સંઘ પ્રદેશમાં વસતા વિવિધ પ્રાંત અને રાજ્યોના લોકોએ જામપોર બીચ ખાતે એકત્ર થઈ ત્યાંથી મોટી દમણ લાઇટ હાઉસ સુધી પોતપોતાની સંસ્કૃતિનું કલાકૃતિના માધ્યમથી ભવ્ય પ્રદર્શન યોજ્યું. વિશાળ સંખ્યામાં દમણના લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने देश के अंदर 75वां वर्ष जो हमारा आज़ादी का है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर घर तिरंगा एक आयोजन किया है, और उसी के अंतर्गत हमारे जो माननीय प्रशासक श्री हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने एक कल्पना की इंडिया डे की. इंडिया डे का अर्थ ये है कि सारी कम्युनिटी, भारत की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए सभी समुदाय अपने कल्चर का प्रदर्शन करते हुए, अपनी अपने प्रेम का, देश के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आएंगे. इस क्रम में हम लोगों ने जमपोर बीच से एक विशालकाय रैली कम कार्निवाल की शुरुआत की, जिसमें 20 कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट किया और सबके सब पूरे खुशी हंसी से अपने अपने लोक नृत्यों का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आए. यहाँ पर 3 कलर के पानी के बौछार के साथ और जनगण मन के साथ इस कार्यक्रम का एक भव्य समापन हुआ, जिसमें सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, सारी कम्युनिटीज़ ने, नगर पंचायतों ने, जिला नगर पंचायतों ने, नगर पालिकाओं ने, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. मैं पूरे दमन की जनता से और प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबने जिसने शिरकत की, सभी मीडिया के कर्मियों का सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना अद्भुत, इतना सफल बनाया. थैंक यू सो मच.